सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो हॉरर कॉन्सेप्ट होने वाला है, और इस वीडियो में जितने बैनर पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी लिंक आपसे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को सिंपली डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ड्रॉ टूल के अंदर, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद जो है आप सभी को करना क्या है, ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है गाइस। तो मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, जिसको बैकग्राउंड स्कैन नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है, आप उसको देख के बैकग्राउंड को सिंपली इरेज कर सकते हो। सो उसके बाद आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद आपको सिंपली इस जगह इस साइड में लगा देना है, एंड यहाँ से एक बार टैप करके इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को लेयर में जाना है, ठीक है, लेयर में जाना है। एंड इसके बाद एक एम्प्टी लेयर बनानी है, एम्प्टी लेयर को आपको अपने मॉडल के नीचे रखना है। एंड जो ब्रशेज है, ब्रश में जाना है, स्मूथ ब्रश को सिलेक्ट करना है, इसकी ओपेसिटी को आपको अराउंड 10-12 तक रखना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली अपने पैरों के नीचे शेडो क्रिएट करनी है इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पेंट करोगे तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओपेसिटी कम रखी है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हमारा डर काम से शेडो क्रिएट कर लेनी है, सिंपली डन कर देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, जो हमारे नेक्स्ट बात आपका नेक्स्ट स्टेप है, शेडो हो गई, ब्यूटी वाले ऑप्शन में करेंगे, ठीक है। ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे फेस फिक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर जाना है आप सभी को। इसकी जो अमाउंट है इसको आप सभी को कम कर देना है, ठीक है। अमाउंट को जो है मतलब कि 10 या 10 9 10 तक रख देना है। एंड जो साइज आपको अपने हिसाब से रखना है, सिंपली आपको अपने फेस के ऊपर इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। पूरे फेस पे ऐसे पेंट कर लेना, जहाँ जहाँ पे मतलब कि आपके फेस हो, बियर्ड वियर्ड के पास मत करना, ठीक है, तो वहाँ पे मत करना। एंड ज़्यादा कुछ करना कि आपके हेयर्स एंड बियर्ड जो भी आईब्रोज पे, इन पे ना लगे, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ से सिंपली डन कर देना है, ओके। सो यहाँ तक डन कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है आप सभी को जाना है टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद जो है इसकी ब्राइटनेस को आपको बढ़ा देना है, एंड ऐसे इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रशेज में जाकर इसको माइनस में रखना है, एंड सिंपली आप सभी को एक हैंड पे ड्रॉ करना है, ठीक है, इन दोनों हैंडों पे, और एक यहाँ पे पैरों के पास भी यहाँ पे हम ड्रॉ ऐसे पेंट कर देंगे एक बारी, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे और इसके बाद जाएंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को जो है हम कम कर देंगे, ठीक है, 9 या 10 तक रख देंगे। एंड इसके बाद यहाँ से भी इरेजर टूल में जाकर पहले जो जो जहाँ पे अलग जगह यहाँ पे पेंट हो गया तो मैं उसको इरेज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा यहाँ का काम भी हो गया है, ठीक है। तो एक बार और जाएंगे टूल्स में, एंड एडजस्ट में, एंड ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम इन्वर्ट करके साइज़ को छोटा रख के, एंड सिंपली यहाँ पे जाके इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है। तो ये साइड साइड में मेरा एक पॉइंट लग गया, जिसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। सो इसकी ओपेसिटी भी है जो, उसको मैं भी कम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हो चुका है। तो अब रहती है हमारी कलर करेक्शन, जो कि हम लाइट रूम में करते थे, यहाँ से हम फोटो को सेव कर लेते हैं, एंड चलते हैं बैक एंड करते हैं लाइट रूम को ओपन। सो गाइस, जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आप सभी के एक लाइक से यार बहुत मोटिवेशन मिलता है, वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। चलिए गाइस, चलते वीडियो की तरफ। तो गाइस, हमारी जो फोटो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है, तो अभी हम फोटो यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो फोटो को हमने ओपन कर लिया है, एंड इसके बाद आप सभी को नीचे यहाँ पहले साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो आप सभी को इसमें जाना है। एंड जो फोटो कॉन्ट्रास्ट है हल्का हल्का बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो हाईलाइट है इसको भी हल्का सा इंक्रीज करना है, एंड शेडो है इसको भी हल्का सा इंक्रीज कर देना है, एंड जो वाइट है इसको हल्का सा माइनस में, एंड ब्लैक इसको प्लस में रखना है, ठीक है। एंड ऐसे जाना नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर है जो उसको कम कर देना है। एंड इसके बाद मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर में जाना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जो है आप सभी को इसमें सैचुरेशन को थोड़ा कम करूँ, ठीक है। एंड इसके बाद जाना ब्लू कलर में, एंड इसकी सैचुरेशन को कम कर देना है, ठीक है। एंड जो सेकंड ब्लू वाला है इसको भी सैचुरेशन कम कर देना है, एंड ग्रीन कलर इसके सैचुरेशन को 100 माइनस कर देना है, ठीक है। एंड ऐसा डन कर देना है। एंड जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी है जिसको बढ़ा देनी है, हल्का सा वीगनेट डालना है फोटो में, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड जाना फिर नीचे वाले टूल में, फोटो के शार्पनेस को बढ़ा देना है, और जो नॉइज रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, एंड कलर रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरह तो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।